दस, 10 सत्ते 8 बराबर 70/11। हमें क्या बताना है? हमें क्षेत्रफल बताना है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे 70/, तो पाई का वैल्यू ऐसे ही रहने दिया लग रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे गलत दिया है। 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रहेगा तो अगर तो फिर ये 40 सेंटीमीटर इसका व्यास नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे निकालते हैं। अगर हमारा आंसर मान लीजिए ये है 40, तो 20 हम आर ले लेते हैं, 20 20 लेते हैं, और परिधि क्या होगा ये देखते हैं। परिधि 2 × 22/7 और आर, आर का वैल्यू 20, 22 × 2। क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 40 रहता तो वो सेम आंसर नहीं आता। एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इस आधार पर मैं गलत कर रहा हूं, तो ये वृत्त का परिधि इसके बराबर नहीं हो सकता है, व्यास के बराबर जो है होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा उस क्वेश्चन को रहने दिया जाए। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, एक आयत है, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है, यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है? इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 3125 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। 5x गुणे क्या करेंगे, x बराबर 3125, 5x ए स्क्वायर हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 625 आ जाएगा। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25। हमसे कह रहा है आयत का लंबाई, तो आयत का लंबाई क्या है, 5x है, तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 × 5 यानी कि 125। क्या है, 125। नेक्स्ट कह रहा है, दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वह मिलती हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेती है, दोनों स्टेशनों के बीच दूरी क्या है? टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशन एट द सेम टाइम एंड मूव टूवर्ड्स, यानी मान लो एक ट्रेन इधर से इधर चला और एक ट्रेन चला इधर से इधर, इनके बीच किस दूरी होगी? एक की गति है 90 किलोमीटर पर आवर और एक का गति है 70 किलोमीटर पर आवर। इनमें अब देखिए, कह रहा है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चलता है, तो कैसे चलेगा? मान लीजिए मैं कहूं 90 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है, 70 किलोमीटर पर घंटा, यहां पे कहीं पे आके ये दोनों मिलते हैं, तो इनका समय जो भी हो हम समय ही पता करेंगे। कैसे करेंगे? तो ए वाली ट्रेन जो है 140 किलोमीटर अधिक चली, तो हम क्या करेंगे, इनका स्पीड का अंतर निकालेंगे, 90 में से 70 घटाएंगे, इनका स्पीड का अंतर क्या आ जाएगा, 20, और उसी 20 से जो इनका डिस्टेंस के अंतर को, क्या इनके डिस्टेंस के अंतर को इनके स्पीड के अंतर से भाग देने पे हमें टाइम पता चल जाएगा कि ये ट्रेनें कितने घंटा ट्रेवल कर रही हैं, क्या ये ट्रेनें कितना घंटा ट्रेवल कर रही हैं। तो 140 में 20 से भाग दे देंगे, हमारा टाइम आ जाएगा 7 घंटा। कितना, 7 घंटा।
कह रहा है दोनों ट्रेन इस दोनों स्टेशनों के बीच दूरी क्या है। अब हमें यहां से यहां तक दूरी निकालना है, दोनों आप क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ देंगे। दोनों स्पीड को अब हम जोड़ लेंगे तो 90 और 70 160, और इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, 0 16 सते 6 42, 112 सत्यकम 7 4 11, 16 सते 112, हमारा कितना जाएगा 1120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार दो रेफ्रिजरेटर समान कीमत पर बेचता है, उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, विक्रय मूल्य समान है, क्या समान है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, समान है। तो जब आपका विक्रय मूल्य समान रहता है और लाभ परसेंटेज एक वस्तु पे हानि परसेंटेज बराबर हो, तो फार्मूला क्या लगाना होता है, 40 गुणे 40, यानी दोनों परसेंटेज का गुणा और 100। इस कंडीशन में आपका हमेशा लॉस ही होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम हो तो फार्मूला ये अप्लाई करना, और हमेशा लॉस होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 4 16% का लॉस होगा, कितना 16% का लॉस हो जाएगा। एक जनरल स्टोर में 35,600 के अंकित मूल्य वाला एक आइटम डिस्काउंट काउंटर पर 3,488 रुपए के मूल्य पर उपलब्ध है, उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, एक जीरो नहीं रहेगा, एक जीरो नहीं रहेगा। तो 3,560 में से 3,488 घटाते हैं, दस में 60 गया 2, 15 में 60 गया 7, 4 में 4 गया 0, यानी 3,560 है ना। हाँ, और 3,488, 72 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 3,560 रुपए पे, और गुण में कर देंगे हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अब देखते हैं किससे कटता है, 4 से कट जाएगा ये 18 बार, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 और 32, 3 बचा 4 9 36, 0। अब 0 से 0 कट गया, पैंतीस सौ साठ इतना डिस्काउंट हुआ, 3,560 72 रुपए का हुआ, ये लगभग आ रहा है 180/90, लगभग 2% का डिस्काउंट देखते, ये 89 या 90, लगभग लगभग 2% का डिस्काउंट देखते हैं। हाँ सही है, 2% का लगभग लगभग में आएगा हमारा, 180/ करेंगे वो तो। कह रहा है, आदित्य का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है, यदि उसका नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन कितना था, यानी पहले जो वेतन 8 था अब 11 हो गया, तो अब 11 का वैल्यू कितना है, 11 का वैल्यू 33,000। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 से कट करेंगे 3,000, तो 8 का वैल्यू बताना है, यानी पहले उसका वैल्यू क्या था। आदित्य सैलरी इंक्रीजेज इन द रेशियो 8:11 इफ हिज न्यू सैलरी इज 33,000, सो व्हाट वाज हिज बेसिक सैलरी। तो देखिए, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 में, कितना आ जाएगा हमारा 24,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24,000। कह
रहा है दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल 1150 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो मान लेते हैं दो संख्या ए प्लस बी योग 59 और मल्टीप्लाई ए और बी का वैल्यू 1150। तो देखिए, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, 59 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 और गुणे ab 1150 बराबर 59 का स्क्वायर करते हैं, 981 को 1 8 5 9 5 40 9 5 45 8 53, 5 9 45 को 5 4 5 5 25 4 29, 1 5 3 8 9 5 14 4 2 1 3 यानी 3481। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1150 का 2 में गुणा करेंगे 2300 को इधर ले जाके घटा देंगे, 1 8 4 में 3 गए 1 3 में 2 गए 1, 1181 आ रहा है। उनके वर्गों का अंत, उनके वर्गों का योग, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1181। कह रहा है 8950 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। हाँ, अभी फोन कर रहे हैं उग्रसेन, वीडियो बना रहे हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 8950 एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 8950 रुपए पे, 8950। तो देखिए कितना परसेंट है, 9% है, तो हमारा जो परसेंटेज अप्लाई होगा +9 +9 और आपका +9 × 9 81 और बटे 100 यानी कि 18.81% का वैल्यू बताना है। तो गुणे 18.81 और बटे 100, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, अब 10 से काट लेते हैं इसको भी, 5 से 2 बार, 5 से इसको काटते हैं, 5 से कम 5, 3 बचा 5 7 35, 4 बचा 5 9 45, 179, 179 का गुणा इसमें करेंगे, फिर हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो हम लोग, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, ठीक है, गला खराब है इतना देर हम। 179 179 गुणे 18.81 बराबर 3367 आ गया और इसको हम भाग दे दें से 2 से, 1683.4 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1683, ठीक है। मैंने मोबाइल से ही कर दिया, उतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। गला जो है खराब है, खांसी बहुत आ रहा है। वरुण और राकेश एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, राकेश और अनिल 4 दिन में कर सकते हैं, अनिल और वरुण 6 दिन में कर सकते हैं, अनिल अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा। वरुण एंड राकेश कैन डू ए वर्क इन 3 डेज, राकेश एंड अनिल कैन डू इट इन 4 डेज एंड अनिल एंड वरुण कैन डू इट इन 6 डेज, अनिल हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू डू दैट वर्क एलोन। तो देखिए, वरुण और राकेश 3 दिन में, राकेश और अनिल 4 दिन में, अनिल और वरुण 6 दिन में, तो 3 4 6 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 12, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार। अब जब वरुण प्लस
इसको प्लस ए, सबका काम ही जोड़ेंगे, चार तीन दो तो कितना काम है, चार तीन सात दो नौ, प्लस ए प्लस बी। तो आप देखेंगे अनिल दो बार है, फिर राकेश दो बार है, वरुण दो बार है, यानी दो वरुण प्लस रवि प्लस राकेश प्लस आपका ए बराबर नौ है। दो से कट करेंगे, 4.5। अब क्या कह रहा है, अनिल अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो जिसमें अनिल नहीं है, अनिल किस में नहीं है, पहले वाले ग्रुप में, तो 4.5 में से हम क्या करेंगे, चार घटा देंगे, यानी तीनों लोगों के काम में से वी और आर के काम को घटा देंगे, अनिल का काम पता चल जाएगा। 4.5 में से चार घटाएंगे, 0.5। 12 कुल काम को हम क्या करेंगे, 0.5 से भाग दे देंगे, 12/0.5। तो 0 हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 से कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24, यानी अनिल अकेले 24 दिन में करेगा। राजेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% एक्सपेंडिचर है, मान लिया उसका टोटल इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 80 है, सेविंग कितना हो जाएगा, 20। कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, मान लीजिए उसकी आय 112 हो गया, व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, व्यय यही है 80, 17.5% की वृद्धि 117.5, तो 0.5 हटा के हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 25 से कट करेंगे, 25 चौका 100, 25 7 175, 40 बार, 40 से कट करेंगे 2 बार, 47 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 94, यानी पहले 80 रुपए खर्च करता था, अब 94 रुपए खर्च करता है। तो अब सेविंग क्या है, 6 रुपए इधर, 12 रुपए इधर, अब जो उसका सेविंग है 18 रुपए है, पहले 20 रुपए बचत करता था, अब 18 रुपए बचत करता है, तो कितना कम हो गया, 2/20 और गुणे 100, 2 से कट करेंगे, 10 बार, 0 से 0, यानी उसकी सेविंग में कितना कमी हो गया, 10% की कमी हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक बंद ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 सेंटीमीटर है, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 275 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है। द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द बेस ऑफ ए क्लोज्ड सॉलिड सिलेंडर इज 12.5 सेंटीमीटर, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 275 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो व्हाट इज इट्स रेडियस। तो देखिए क्या कर रहा है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी आर प्लस एच का जो वैल्यू है 12.5 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में आर प्लस एच, इसका वैल्यू कितना दिया है, 275, 2π यानी 44/7, 22/7 होता है, 2 का गुणा कर दिए, आर, आर प्लस एच का वैल्यू कितना दिया है, 12.5 बराबर 275। कट करेंगे, किससे कट होगा, देखिए 11 से 2 4 बार, 11 से इसको कट करेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 12.5 से 25 को कट करेंगे, 2 बार भाग जाएगा, आर का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 का गुणा 2 में हो जाएगा 14, तो इसका त्रिज्या कितना आ गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। अरे गलती कहां हो गया, 2π 44/7, आर, आर यहां पे आर प्लस एच का वैल्यू कितना था, 12.5, और क्षेत्रफल कितना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 275, 11 से काटते हैं, 11 से 4 बार और इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 12.5 से काटेंगे,
दो बार में। अच्छा ये हम लोग भूल गए थे, आर बराबर क्या होगा, सात का गुणा तो दो में होगा ही, 7 × 2 = 14 और इसके नीचे 4 भी आएगा, तभी हमारा कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। कर एक वस्तु को 8,759 रुपए में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6,341 रुपए में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, लाभ प्रतिशत क्या है। यानी देखिए अगर मान लीजिए हम 8,759 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, जितने रुपए का लाभ होता है उतने रुपए की हानि होती है जब 6,341 में बेचते हैं, यानी लाभ हानि बराबर है। तो 8,759 में से क्या करते हैं, 6,341 को घटा के हम घटाते हैं, क्या आ गया 2,418। यानी इसको अब क्या करिए, इसी में लाभ भी है हानि भी है, जितना लाभ है उतना हानि है, दो चीज है तो 2 से भाग दे दीजिए, 1209, यानी उसको 1209 रुपए का लाभ हो रहा है जब उसको 8,759 में बेच रहा है, और हानि हो रहा है कितना 1209 का ही। तो इसको हम क्या करते हैं 6,341 में जोड़ लेते हैं ताकि हमें इसका विक्रय मूल्य पता चल सके। 9 × 1 = 10, 4 × 1 = 5, 3 × 2 = 5, 6 × 1 = 7, यानी कितना है उसका मूल्य 7,550। तो 1209 रुपए का हानि होता है जब हम उसको क्या करते हैं, मूल्य कितना है 7,550 और गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करते हैं एक बार, फिर 5 बार, एक बार यहाँ पे 2 बार, 151 से कट करेंगे, ये लगभग लगभग कितना कट जाएगा, ओहो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है यहाँ पे हाँ क्वेश्चन गलत टाइप हुआ था, मैंने ध्यान दिया नहीं, देखिए ये 8,759 नहीं है, ये 8,579 है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ये 8,579 है। अब इसको करते हैं 8,579 में से 6,341, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 2, अब इसको काटते हैं 2 से, 11 बार, 1 बार, 9 बार, 1119, 6,341 में जोड़ देते हैं, 9 × 1 = 10, 4 × 1 = 5 और 1 × 6, 3 × 1 = 4 और 6 × 1 = 7, यानी 1119 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे 7,460 पे और गुणे 100, 0 से 0। अब काटते हैं इसको 7 × 4 = 11, 6 × 17, किससे कटेगा, 1,1190 में 746 से भाग देते हैं, पहले एक बार जाएगा पूरी तरह से, किसी से पूरी तरह नहीं कटेगा, तो मैं कैलकुलेटर से इसको करूंगा, ठीक है 1,1190 भागा 746, 746, तो लगभग 15% आएगा, क्या लगभग 15% आएगा, जब हम इसको भाग देखेंगे तो लगभग 15% भाग देने पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक ट्रक एक निश्चित गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाता है तो वह समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लेता है, इसकी मूल गति का 50% किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, कितना, एक निश्चित गति से 480 किलोमीटर और 8 घंटा कम कर दे, मान लीजिए पहले x है इसका, फिर x-8 कर दें, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे 480/x-8 और माइनस 480 और बटे x बराबर क्या है, कितना समय का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम x-8 और यहाँ पे x
एक्स का गुणा यहाँ पे होगा 480x, फिर यहाँ पे 480 का गुणा यहाँ पे होगा माइनस के साथ माइनस 480x, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 480 × 8 बराबर, ये हमारा कितना है 2। इसका आपस में गुणा होगा x² - 8x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² - 16x, 2x² - 16x। अब देखिए ये 480x से 480x कट जाएगा, अब 800 इसको यहाँ लिखते हैं 2x² - 16x 800, और ये इधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा 800 64 को 4, 6 बचा 8 चक 32, 6 38 बराबर 0, यानी घटाने पर 16 2 से काट देते हैं, ए माइनस 8x दो एक कम दो दोनों दो, गुणा करने पे 1920 आना चाहिए और घटाने पे 8 आना चाहिए, तो लगभग 40 और 48, हाँ 48 और 40 रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा, 48 और 40 यानी ऊपर अब मैं लिखता हूं यहाँ पे x² - 48x और माइनस प्लस 40x -1920 बराबर 0, तो यहाँ x कामन x माइनस 48 और यहाँ पे 40 कामन यहाँ पे x माइनस 48, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 40 और दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 48 बराबर 0, तो एक बार x बराबर -40 आएगा और एक बार x बराबर 48 आएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी मूल गति का 50% किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, तो मूल गति कितना है 48, इसका 50% कितना आधा कितना हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 1/4, 5/9, 7/12 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यहाँ पे क्या क्या संख्याएं हैं 1/4, 5/9, 7/12, तीनों का एलसीएम ले लीजिए 4, 9, 12, 36 × 36 × 36 × 36, 4 से 9 बार, 9 से 4 बार, 4 × 5 = 20, 12 से 3 बार, 7 × 3 = 21। अब क्या है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ा 21 अनुपात है, सबसे छोटा 9 है, तो 21 में से 9 हम माइनस करेंगे क्या आएगा 12, 12 का वैल्यू क्या है 180, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 से कट करेंगे 15। हमसे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्याओं का योग 21, 9, 30 और 20, 50, तो 50 1 अनुपात का वैल्यू 15, तो 50 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 × 15, 15 से 0, 15 × 5 = 75, 750 कितना हो जाएगा 750। कर यदि एक 9 अंकों की संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के अधिकतम संभव मान, तो देखो अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य रहेगा तो लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, अगर या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 8 से नहीं कटेगा क्योंकि वह विषम संख्या हो जाएगा, सम से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे निश्चित ही 0 आएगा, 5 आ नहीं सकता है। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 8 से विभाज्य होने का नियम है लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं देखो 7 मान लो यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 8 से कटेगा क्या चेक करिए, 8 8 8 64, 7 बचा 70 नहीं कटेगा, 72 पे चेक करते 8 9 72 कट जा रहा है, लेकिन हमें अधिकतम पूछ रहा है अधिकतम संभव मान, तो हम फिर 3 पे चेक करेंगे,
फिर 8, 9, 72, 1 बचेगा, 10 नहीं कटेगा, 4 पे चेक करेंगे, 8, 9, 72